एलिवेटर गेम एक डरावनी फिल्म है जो टीनेजर्स के एक ग्रुप पर आधारित है, जिसमें बेकी नाम की एक लड़की भी शामिल है, जो एक सुनसान ऑफिस में जाती है और अपने फोन से खुद की वीडियो बनाती है। लिफ्ट अलग अलग मंजिलों पर रुकती है और लड़की अपने पीछे खड़े एक डरावने भूत को देखती है। सोशल मीडिया प्रोडक्शन कंपनी केविन की टीम ने एलिवेटर गेम को अपना अगला सब्जेक्ट बनाने का फैसला किया। रायन को टीम से मिलाया जाता है और उससे एलिवेटर गेम खेलने का आइडिया दिया जाता है। वे एक खाली ऑफिस में लिफ्ट की वीडियो बनाने का फैसला करते हैं, जिसमें इजी ने खेल खेल रहे टीम के सदस्यों को फिल्माने के लिए लिफ्ट में कैमरे लगाता है। गेम चेतावनी देती है कि अगर कोई भूतिया पांचवी मंजिल की महिला को देखती है या उससे बात करती है, तो वो उन्हें अलग अलग कर देगी और उनके जिंदगी को खत्म कर देगी। एक बिजनेसमैन ने लिफ्ट का बटन एक साथ दबाने के कारण लिफ्ट नौवीं मंजिल पर रुक जाती है। इजी सभी को बताती है कि गेम के आखिर में कैमरों ने काम करना बंद कर दिया है और रायन फिर से गेम खेलना चाहता है। हालांकि रायन ने मना कर दिया। फिल्म में बेकी के भाई रायन के बारे में भी बताया गया है, जो उसकी मौत से पहले बेकी का दोस्त था। बेकी ने सोशल मीडिया पर क्रिस रूसो से कॉन्टैक्ट किया था और उससे कहा था कि वह एलिवेटर गेम खेलकर फेमस हो सकती है। बाद में बेकी के लापता होने और उसके भाई रयान से इस बारे में बात करने के बाद क्रिस रूसो ने मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। कहानी टीनेजर्स के एक ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय लिफ्ट गेम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस, जो कि एक रहस्यमय भूत से मारा गया था, उसे पांचवी मंजिल की महिला अपनी लाल दुनिया में ले जाती है। रयान को अपनी बहन के लापता होने के बारे में पता चलता है और वह रहस्य की जांच करना शुरू कर देता है। उसका सामना एक भूत से होता है जो लिफ्ट में दिखाई देती है और उसके पीछे दौड़ती है। इजी और केविन, जो गलती से अपना एलिवेटर गेम भूल जाते हैं, खेल को मजाक समझते हैं, लेकिन भूत उन्हें अलग अलग कर देता है। कैमरा उनको रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो लिफ्ट के अंदर ही रहता है। क्लोई, जो एलिवेटर गेम के बारे में पढ़ रही है, रायन की कॉल से बच जाती है। बस स्टॉप की एम्प्लॉय मैटी पर एक डरावनी महिला से हमला किया जाता है, लेकिन वह बच जाती है। बिजनेसमैन का एलिवेटर गेम बंद कर दिया गया, जिससे भूत को इंसानी दुनिया में घुसने और बचे हुए लोगों को मारने की अनुमति मिल गई। तीनों लोग भूत को रोकने का तरीका ढूंढने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें पता चलता है कि अगर वे एलिवेटर गेम सही ढंग से खेलते हैं, तो ये आत्मा को उसके दुनिया में वापस भेज देगा। हालांकि पांचवी मंजिल की महिला उन पर हमला करती है, जिससे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये कहानी सरोरिटी प्लेज वीकेंड की एक दुखद घटना से जुड़ी है, जहां एक लड़की को लिफ्ट में बंद कर दिया गया था। रायन और क्लोई एलिवेटर गेम खेलते हैं, पांचवी मंजिल की महिला से बचते हैं और लाल दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। वो बेकी को देखते हैं, जिसे वो अपनी बहन मानते हैं, और रुकने का सोचते हैं। एलिवेटर गेम एक सरप्राइजिंग मोड़ के साथ खत्म होता है, क्योंकि भूत हमला करता है और दोनों लोगों को मार देता है। पांचवी मंजिल की महिला, जो दोस्तों की तलाश कर रही थी, वो मानव संसार में रही होगी। फिल्म बताती है कि एक लड़की खतरनाक खेल खेलने के लिए लिफ्ट में घुसती है, जो ये दिखाता है कि दोनों दुनियाओं के बीच एक कनेक्शन अभी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड।